हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, एनिमल को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में जस्ट अभी एक दिन बचा है, यानी कि कल 30th of November, आज 29th of November ऑलमोस्ट भाई साहब गुजर चुका है। और अभी 29th of November रात के 8 बजे तक की अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आ चुकी है। और भाई साहब, मैंने आपको क्या बोला कि हर कुछ घंटे बाद, यानी कि 4 से 5 घंटे बाद एडवांस बुकिंग अपडेट होकर आती है। और भाई, जब भी अपडेट होकर आती है, करोड़ों में बुकिंग, करोड़ों में ह्यूज जंप मेरा भाई, यानी कि मैं तो शॉक्ड हो गया लिटरली। अब गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपडेटेड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट तो बताऊंगा ही, उसी के साथ भाई साहब टोटल कितने शोज हैं, कितने फिलिंग फास्ट, कितने फुल, कहां से कितनी बुकिंग, नेशनल चेन्स क्या कर रही है, सब डिटेल देने वाला हूं। और ऑफ कोर्स लास्ट में हम देखेंगे कि भाई एनिमल डे 1 में कितना करने वाली है। लेकिन अब इससे पहले कि ये सब बताऊं, जितने भी रणबीर कपूर के फैंस हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा शोज। अब ये जो मैं आपको शोज बताने वाला हूं, ये है स्टेट वाइज, नॉट रीजन, स्टेट वाइज। तो भाई स्टेट वाइज दिल्ली के अंदर 796 शोज हैं, जिनमें से 161 फिलिंग फास्ट हैं एंड 392 फुल हो चुके हैं। एंड दिल्ली से अभी एक दिन पहले 3.48 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, 886 शोज हैं, 105 फिलिंग फास्ट हो चुके हैं, 92 फुल हो चुके हैं, 1.83 करोड़ की भाई साहब बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद है कर्नाटका, 891 शोज हैं, जिनमें 97 फिलिंग फास्ट एंड 137 फुल हो चुके हैं एंड 2.09 करोड़ की भाई साहब बुकिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है तमिलनाडु, 324 शोज हैं, 36 फिलिंग फास्ट हैं, 52 फुल हो चुके हैं एंड 61 लाख रुपीस की बुकिंग। उसके बाद है तेलंगाना, 937 शोज, जिसमें 142 फिलिंग फास्ट, 236 फुल हो चुके हैं एंड 3.8 करोड़ की बुकिंग। महाराष्ट्र, 1300 शोज, 205 शोज फिलिंग फास्ट, 215 शोज फुल हो चुके हैं, 2.65 करोड़ की बुकिंग। गुजरात, 1551 शोज, 122 फिलिंग फास्ट, 83 फुल, 1.24 करोड़ की बुकिंग। ये वो गाइस मैंने आपको स्टेट्स बताई हैं जहां पर अभी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी चल रही है। इसके अलावा भी बहुत ही है जहां पर ठीक है, लेकिन इनका लेवल नहीं है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर वन पर है तेलंगाना, तेलंगाना में 3.8 करोड़ की बुकिंग है। उसके बाद दिल्ली है 3.48 करोड़ की एंड सो ऑन सो ऑन। खैर दोस्तों, अभी एक दिन पहले 29th of November रात के 8 बजे तक स्टेट वाइज 1410 शोज फिलिंग फास्ट है एंड 1700 शोज फुल हो चुके हैं मेरा भाई। नाउ वी मूव ऑन एडवांस बुकिंग की क्या हो रहा है मेरा भाई। तो हिंदी बैंड 14.53 करोड़, ये जो एडवांस बुकिंग है ये 29th of November अभी रात के 8 बजे तक की अपडेटेड एडवांस बुकिंग है। तो हिंदी बेल्ट 14.53 करोड़, 4,86,160 टिकट से सोल्ड आउट, 235 रुपीस की एवरेज टिकट प्राइस एंड 8,685 शोज। तेलुगु डब्ड वर्जन 1.94 करोड़, भाई तेलुगु से 10 करोड़ से कम की डे वन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आएगी, ये मैं आपको लिख करके देता हूं। 1.94 करोड़ की एडवांस बुकिंग, ऑलमोस्ट 1,28,452 टिकट से सोल्ड आउट, 139 रुपीस की एवरेज टिकट प्राइस एंड 1,288 शोज। तमिल डब्ड वर्जन, भाई क्या तमिल में स्पीड पकड़ी है, पहले जहां पे 1,000 में बुकिंग हो रही थी अब लाखों में हो रही है। ऑलमोस्ट 4.87 लाख की एडवांस बुकिंग, 4,009 टिकट से सोल्ड आउट, 127 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड 170 शोज। उसके बाद है कनाडा,
ऑलमोस्ट 1,90,000 की एडवांस बुकिंग, 1,538 टिकट सोल्ड आउट, 131 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 47 शोज। मलयालम से जस्ट 1,600 की बुकिंग, 4 टिकट सोल्ड आउट, 157 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस, 18 शोज। बढ़ेगी, सबर करो, सुबह ज्यादा होगा। अब गाइज इसके बाद सिनेरियो ये है कि हिंदी IMAX के अंदर भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी मेरा भाई, एनिमल IMAX के अंदर भी रिलीज होगी। अभी अचानक से कहां से रिपोर्ट आ गई मुझे भी नहीं पता चला, और रिपोर्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आई कैसे, मैं आपको बताता चलूं। 31 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, कैसे मुझे नहीं पता, क्योंकि अचानक से आया ना। एक तो पहले से प्लानिंग होती कि एनिमल IMAX में रिलीज होनी है, अब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी अचानक से। अभी जब मैंने दिन को 3 बजे की आपको रिपोर्ट बताई, भाई IMAX का नाम ही नहीं था, लेकिन अभी हिंदी IMAX ऑलमोस्ट 31 लाख की बुकिंग, भाई 19,600 टिकट से सोल्ड आउट, एंड एवरेज टिकट प्राइस 160 रुपीज की। यहीं से मुझे बात समझ नहीं आ रही भाई, या तो ये जो अपडेट आई है ट्रेड की तरफ से कोई मिस्टेक हो गई है, नहीं तो अगर एक्चुअली में ऐसा है तो कैसे पॉसिबल भाई, IMAX में 160 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस होती ही नहीं है, तो ये कैसे है भाई बता देना मुझे। और IMAX में 19,000 टिकट से सोल्ड आउट एक बहुत बड़ी अमाउंट है भाई, और 400 शोज, यार भाई क्या है ये, कुछ मुझे इसके बारे में जरा। अभी आप इसको हिंदी IMAX को मत मानिएगा, मैं सुबह जो वीडियो बनाऊंगा, यानी कि कल 30th of November सुबह के 7 बजे जब हम वीडियो बनाएंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो है। लेकिन अभी फिलहाल हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, इन सबसे 29th of November अभी रात के 8 बजे तक 16.86 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है भाई, स्पीड देखो। अभी जब मैंने आपको दिन के 3 बजे तक की रिपोर्ट बताई थी, 3 से लेकर अभी 8 तक बीच में 5 घंटे गुजरे हैं, तो 3 बजे तक 15.19 करोड़ की बुकिंग थी, और 5 घंटों में अभी 1.67 करोड़ की बुकिंग हो गई है। क्रेजी मेरा भाई, 1.67 करोड़। खैर, 6,39,819 यानी के 6,40,000 टिकट सोल्ड आउट, 10,609 10,609 शोज हो चुके हैं मेरा भाई। इसी के साथ अगर मैं नेशनल चेन्स में आऊं, ये जो मैं आपको नेशनल चेन्स की रिपोर्ट बताने वाला हूं, ये आज शाम 7 बजे तक है, यानी कि 29th of November शाम के 7 PM तक PVR प्लस आईनॉक्स ने ऑलमोस्ट 183,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं, सिनेपोलिस ने 49,000, और अगर टोटल करूं तो बनता है 2,32,000, यानी कि अगर ये फिल्म 4 लाख, जो हमारा टारगेट था कि 4 लाख तक ये चली जाएगी, अगर ये 4 लाख टिकट ना भी सोल्ड आउट कर पाई तो 3.5 लाख कहीं नहीं, यानी कि 3,50,000 टिकट सोल्ड आउट कर लेगी, और मे बी ये अभी तक भाई पैनडेमिक को छोड़कर ऑल ओवर जब भी तक जितनी भी मूवीज नेशनल चेन्स में रिलीज हुई हैं, तो उन सब में मुझे लगता है कि ये टॉप 6 या टॉप 5 में जरूर आ जाएगी। नाउ सबसे बड़ा सवाल, Day 1 में कितना आने वाला है। तो देखो गाइस, जिस तरह से इसकी भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या एडवांस बुकिंग बढ़ रही है ना, तो साफ साफ देखकर नजर आता है कि ये फिल्म Day 1 में भाई साहब इंडिया से नेट कलेक्शन 50 करोड़ ठोकने वाली है। अच्छा, एक ना इशू चल रहा है, मतलब इशू क्या, कुछ भाइयों में कंफ्यूजन हो जाती है। मैं बोल रहा हूं कि इंडिया से 50 करोड़ की नेट कलेक्शन, भाई समझते हैं कि मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं, हिंदी बेल्ट नहीं, मैं भाई बात करूं 5 लैंग्वेजेस। एनिमल एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, 5 की 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, तो मैं 5 की 5 लैंग्वेजेस की मिला के Day 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहा हूं, जो कि 50 करोड़ भाई साहब मिनिमम मारने वाली है। यानी कि पहले जहां पर 40-45 करोड़ था, अब भाई 50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ की नेट कलेक्शन जरूर होगी 5 की 5 लैंग्वेजेस मिलाकर। अब गाइस अगर होती है इतनी, यानी कि 50 करोड़ की नेट कलेक्शन होती है, तो ये 60-65 करोड़ बन जाएगा ऑलमोस्ट, और ओवरसीज से 30-35 करोड़, यानी कि 100 करोड़ डन है मेरा भाई, 100 करोड़ कहीं नहीं गया। और कल जब हम इसी टाइम वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई एनिमल की Day 1 की कलेक्शन कितनी रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली है, क्या वो पठान की Day 1 की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 106 करोड़ उसका रिकॉर्ड बीट करने वाली है, यानी क्योंकि हाईली चांसेस नजर आ रहे हैं कि उसको ये बीट कर देगी। बाकी अगर मैं हिंदी का बताऊं, तो हिंदी से Day 1 में अभी 40 करोड़ एक्सपेक्टेड है, कि 40 करोड़ की सिर्फ हिंदी से नेट कलेक्शन होगी, और देख लेना होगी, क्योंकि अगर 20 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो जाती है ना, तो इजीली ये 40 करोड़ मार जाएगी। सॉरी, बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, होप सबको वीडियो पसंद आया,
वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।